और वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम एसपी नेता मुलायम सिंह यादव को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लगातार खबरें आ रही थी उनके बीमारी को लेकर, और इसके बाद अब फिलहाल जो खबर है उसमें कहा गया है कि कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्हें शुगर की समस्या के साथ यूरिन पास होने में परेशानी हो रही थी। जानकारी के मुताबिक उन्हें फिर मंगलवार को अस्पताल में दाखिल करवाया जा सकता है, क्योंकि थूलियम लेजर विधि से ऑपरेशन किया जा सकता है। बताते चले कि इससे पहले सोमवार को मुलायम सिंह यादव को यशोदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अचानक तबियत खराब होने पर पूर्व एसपी सुप्रीमो और मैनपुरी से सांसद मुलायम सिंह को अस्पताल लाया गया था।